everyone, welcome back to my channel. This is Nancy and you are watching my YouTube channel Natty Nancy. So friends, आपने नैनीताल वाले व्लॉग्स तो देखे ही होंगे और आप देख देख के बोर भी हो गए होंगे, मुझे पता है. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज कुछ नया लेके आती हूँ. तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ और एक Q&A वीडियो शूट करूँ, जिसके आप जो ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो उसका थैंक यू भी बोल सकूँ और उसका एक प्रॉपर आप लोगों को आंसर मिल जाए, ताकि आप सेम क्वेश्चंस बार बार ना पूछो. तो ये वाले वीडियो आप देख लेना जो भी आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हो. और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करने में भी पैसे नहीं लगते हैं, तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि आगे जब भी वीडियोज आए तो मैं थोड़ी सी मोटिवेटेड फील करूँ कि हाँ आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं. और बेल आइकन को भी हिट कर देना. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. दिस इज माई फर्स्ट Q&A वीडियो. तो मैंने भी सोचा कि जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है मेरे चैनल पे, जो आप कमेंट कर पूछते हो, पहले मैं उनके आंसर्स करूं. मैंने एक फोन ले लिया अपने हाथ में और मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी. सारे तो मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स हैं. जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए, मैं उनके आंसर्स करूंगी और मैं नाम भी ले लूंगी कि किसने कमेंट किया है. तो अगर आप में से कोई छूट जाए तो प्लीज ऐसा कुछ माइंड मत करना. सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो सारे लोग ऑलमोस्ट हर एक दो कमेंट के बाद मुझे वो कमेंट जरूर मिलता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप किस स्टेट से हो, किस जगह पे रहते हो, ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा मुझे मिलते हैं. तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं फिलहाल अभी नोएडा में रहती हूँ. तो होप आपको, जो भी लोग ये क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं, ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके नहीं बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो इसका आंसर मैंने होप आपको मिल गया हो. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या आप मैरिड हो या आप सिंगल हो. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मैरिड हूँ और मेरे शादी के सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पे हैं, आप जा करके देख सकते हो. और बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप जा करके ज़रूर देखना और फिर मुझे कमेंट कर बताना कि आपको कैसा लगा. और एक कमेंट है जो हमेशा मुझे मिलता है कि आप दोनों, आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में, कि आप दोनों बहुत क्यूट लगते हो, आप बेस्ट जोड़ी, वेरी नाइस कपल. तो आप सभी को बहुत 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 थैंक यू जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो. ये भी बहुत ही ऑलमोस्ट 2-3 कमेंट के बाद मुझे ये कमेंट बहुत मिलता है कि आप बहुत क्यूट हो, आपका फेस बहुत चब्बी सा है. तो हाँ, मेरे चीक्स थोड़े से चब्बी से हैं. और थैंक यू आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए. नेक्स्ट कमेंट जो मुझे एक आया था अभी रिसेंटली, नंदिनी ने मुझे ये कमेंट किया था और बोला था कि दी आप एक बार पिंक कलर का फ्रॉक पहनो, आप उसमें बहुत क्यूट लगोगे. तो आई विल ट्राई, मैं कभी ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं भी बाबी की तरह पिंक कलर का ड्रेस पहनूँ और वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, शॉर्ट्स शेयर करूँ. तो थैंक यू नंदिनी फॉर कमेंटिंग. लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं. तो मेरे हस्बैंड एक IT प्रोफेशनल है. होप आप लोगों को, जिन लोगों ने ये कमेंट पूछा था उनको भी आंसर मिल गया हो. और ये भी पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ से बिलोंग करते हैं. तो मेरे हस्बैंड बिहार पटना से बिलोंग करते हैं. मेरा एक शॉर्ट्स था मेरी शादी वाला, तिलक वाला, उसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आपको देख कर विवाह की मूवी के एक्ट्रेस का याद आता है. सॉरी. तो अच्छा बात है आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस देख के किसी का याद आता है तो मुझे ठीक ही है, बस वीडियो लाइक कर दिया करो. मैं कमेंट्स चेक कर रही थी तो मुझे याद आया कि अभी हाल फिलहाल ही मेरा बर्थडे गया है लास्ट मंथ. तो आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स किए थे और मुझे बर्थडे विशेस दिए थे. तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस मैं फिर से देख रही हूँ. और रियली मुझे इतने सारे लोगों ने कभी विश नहीं किया था बर्थडे पे, तो थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लग रहा है. और ये हमारी जो YouTube की फैमिली है वो अराउंड 43K की हो चुकी है, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, 43K की हो चुकी है. और जल्दी मैं चाहती हूँ कि ये 1 लाख सब्सक्राइबर आप प्लीज़ कंप्लीट कर दो, ताकि मैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन कर सकूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए. तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और मेरी 1 लाख की YouTube फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए.
मेरा एक ब्लॉग है, आपने चैनल पे देखा होगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नोएडा. क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूँ तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि यहाँ रहने का खर्चा कितना है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस किस किस चीज़ों पे कितना एक्सपेंस है, वो मैंने प्रॉपर ब्लॉग शेयर किया था आपके साथ. तो बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं क्या आप मुझे घर रेंट पे दिला सकते हो, मुझे इस सेक्टर में घर चाहिए. तो मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ. मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप कौन से साइट पे जा करके घर ढूंढ सकते हो, वहाँ पे आपको जेन्युइन और अच्छे घर मिलेंगे, वो मैंने वीडियो में बताया है. तो प्लीज़ मुझसे बार बार ये मत बोलो कि आप मुझे घर दिला दो और मुझे फ्लैट लेना है तो आप बताओ. तो मेरे को इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है. मैंने बस उस ब्लॉग में अपना खर्चा और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो नोएडा में रह रहे हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया था, ताकि आप जब नोएडा में रहने आओ तो आपके लिए वो वीडियो देखना और उससे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना इजी हो जाए. आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी एज कितनी होगी? क्योंकि ये वाला कमेंट जो है ना, मैं आंसर कर करके थक चुकी हूँ. मेरे वीडियोस पे ये कमेंट आते हैं कि इसकी शादी तो बहुत कम एज में हो गई है, 10th क्लास की बच्ची लग रही है, बाल विवाह और पता नहीं क्या क्या क्या, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. तो ऐसा नहीं है, मेरा कोई बाल विवाह नहीं हुआ था, मेरा एकदम सही एज पे शादी हुआ था. तो आप कमेंट कर कर बता देना कि आपको क्या लगता है कि मेरी एज कितनी है. पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि आप तो 10th क्लास की बच्ची लग रही है यार, इसकी शादी कैसे हो गई. मेरे वीडियो पे ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं. तो चलो ठीक है, मैं उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ कि मेरी एज लोगों को लगती है कि मैं भी बच्ची हूँ. तो थैंक्स फॉर दैट. सो फ्रेंड्स, हंसी मजाक तो ठीक है, पर कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको पढ़कर सच में बहुत गुस्सा आता है और एक खराब लगता है कि क्यों लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं किसी के वीडियो पे जाके. जैसे मेरे वीडियो पे लोग आके कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग स्पेशली कुछ लेडीज आके ऐसे कमेंट करती हैं कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाती हो, आप ये क्यों नहीं करती हो. तो मतलब क्यों, आपको क्या, मेरे को बिंदी लगाना पसंद नहीं है, मैं नहीं लगाती हूँ. मुझे कभी कभी मन करता है, मैं जब इंडियन पहनती हूँ तो मैं लगाती हूँ. वो कम्प्लीटली मेरी चॉइस है और वो कम्प्लीटली हर एक किसी की चॉइस होनी चाहिए. किसी को भी किसी के लुक्स पे और किसी भी ड्रेसिंग सेंस पे किसी भी चीज़ पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है. सो ऐसे लेडीज़ों से तो मैं एकदम दूर रहती हूँ, मैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं करती हूँ. मैंने सोचा कि ये वीडियो में बताना ज़रूरी है कि ऐसे कमेंट्स भी लोग करते हैं. और आप अगर YouTube चैनल पे वीडियोस, आप भी व्लॉग्स बना रहे हो और आप भी वीडियोस शेयर करते हो, तो ऐसे लोगों को एकदम इग्नोर करो. क्योंकि ऐसे लोग को खुद के पास कोई काम होता नहीं है, वो दूसरे के वीडियोस पे जाकर बस कमेंट करना ही जानते हैं और वो भी घटिया कमेंट. तो मैं भी इग्नोर करती हूँ. होप आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार. लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप लोगों के पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो. तो एक क्वेश्चन मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो में आके खुद उस क्वेश्चन का आंसर करूं, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वीडियो में कमेंट कर रहे थे, पर मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया. क्योंकि मैं पर्सनली सबको जाके ये वीडियो, मतलब ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. तो वो ये है कि बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है क्या, क्या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, या फिर आप कितना पैसा कमाते हो YouTube से. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो हाँ, मेरी चैनल मोनेटाइज हो चुकी है, और चैनल मोनेटाइज होने की क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, और मेरे ऑलरेडी 43,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं YouTube पे. तो हाँ, मेरी चैनल मोनेटाइज हो चुकी है, और ये सब सिर्फ आप लोगों के वजह से है. तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को. और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ. एक कमेंट है मिस कुकी का, वो हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उनका नाम ज़रूर लूँ वीडियो में. तो उन्होंने एक कमेंट किया था, वी नेवर गेट बोर्ड वाइल वॉचिंग योर वीडियो नैन्सी, सो कीप अपलोडिंग टिल देन, टेक केयर. तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हो और इतना पसंद करते हो. मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगता है जब मेरे वीडियोस पे आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहा करो, ताकि आगे मैं ऐसे ही Q&A व्लॉग्स शूट करूँ. मैंने सोचा था कि मैं ये Q&A अपने हस्बैंड के साथ शूट करूँगी, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वीडियो पे. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी. तो मेरी शादी को अराउंड 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं. तो और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं दिख रहे वीडियो में, वो क्यों नहीं दिखते, वो कहाँ है. ऐसे ऐसे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं.
तो मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ Q&A शूट करूं, पर वो थोड़े से कैमरा कॉन्शियस है और वो बिजी भी है, उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता, तो इसलिए मैं ये वीडियो अकेले ही शूट कर रही हूँ। तो मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए हैं, तो आप लोग भी मेरे एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर करना कि आपको मेरे किस टाइप के व्लॉग्स देखने पसंद है, आई मीन ट्रैवल व्लॉग्स या डेली लाइफ होम व्लॉग्स या फिर मेरे शॉर्ट्स या फिर जो भी आपको पसंद है, आप प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप के व्लॉग्स पसंद है मेरे चैनल पे, ताकि मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस टाइप के वीडियोस अपलोड करूँ। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नंबर वन कि आप क्या करते हो, बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो मेरा यूट्यूब इज़ नॉट फुल टाइम, मैं बस इसको एज अ फ्री टाइम पे यूट्यूब करती हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियोस पे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और ढेर सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ जो मैं अपने वेबसाइट पे सेल करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अब वहाँ जा करके चेक कर सकते हो। तो वो मेरा फुल टाइम काम है, और यूट्यूब तो बस मैं एज अ फ्री टाइम कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, रेडी होना और डांस करना और एक्टिंग करना, ये सब मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो शेयर करती हूँ। और मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे उसको एज अ सेव करके, मेमोरी को सेव करके रखना भी पसंद है, तो व्लॉग्स के ज़रिए वो भी बहुत ईजी हो जाता है। और यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ तो मैं कभी भी फ्यूचर में उसको देख सकती हूँ, तो इसलिए भी मैं यूट्यूब करती हूँ। और सेकेंड रीज़न यूट्यूब करने का ये भी है कि जैसे आप लोग कमेंट्स करते हो और कमेंट का रिप्लाई करना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना, नए नए लोगों से मिलना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक रीज़न है यूट्यूब पे आने का। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, ये सब मैंने नहीं सोचा था। बट थैंक यू आप लोगों को कि ये भी पॉसिबल हुआ, और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी पॉसिबल हो जाएंगे, भगवान पे भरोसा है मुझे। तो और एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि यूट्यूब से आप कितने पैसे कमाते हो, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मैम यूट्यूब का सैलरी कितना आता है आपका, आप कितने पैसे कमाते हो। तो ये ब्लॉग उसके ऊपर नहीं है कि मैं यूट्यूब पे कितने पैसे कमाती हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बताऊँगी बनाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आप यूट्यूब से, मैं कितना पैसे कमाती हूँ यूट्यूब से, ये भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत क्यूट हो, आप शादी के दिन बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने मेकअप बहुत अच्छा कर रखा था, आप विदाउट मेकअप ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो मैंने अभी भी कोई मेकअप नहीं किया है, देखो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, मैं लिपस्टिक तक नहीं लगाती हूँ, और मैं क्या बोलूँ। तो बेस्ट कपल इन नेचुरल, बेस्ट कपल वेरी गुड, बहुत अच्छी जोड़ी है, जोड़ी बहुत अच्छी है आप लोगों की, ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, जाकर के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी हमारी इस यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाए। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।